उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। 2017-18 में लगभग 88,000 करोड़ रुपया बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। संपन्न हुए G20 समिट में सफलता से पूर्ण विश्व समुदाय प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इसी ग्रेटर नोएडा में वाणिज्य और व्यापार से जुड़े इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधिगण, देश विदेश से आए हुए उद्यमियों, देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुँचाने के लिए आयोजन ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतर ऊर्जा तथा दिशा प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। इसी वर्ष फरवरी में मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लिया था। मुझे बताया गया है कि इस समिट में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुई है। उन प्रस्तावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नई उद्यमियों तक विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों को के उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। ये प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित है, जिनके माध्यम से यहाँ के उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुँच बनाने का रास्ता सुगम हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के निर्माताओं एवं उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा अपनी पहुँच और पकड़ बनाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 वर्षों में देश के आर्थिक विकास को अपना विशिष्ट योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि राज्य की जीडीपी जो वर्ष 2016-17 में लगभग 13 लाख करोड़ रुपया थी, वो वर्ष 2022-23 में करीब 22 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। इकोनॉमिक ग्रोथ की ये उपलब्धि निसंदेह सराहनीय है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास तथा निवेश में वृद्धि हेतु कई कदम उठाए हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सरल बनाने, व्यापार को सुगम बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के गति देने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आप देश में सबसे तेजी से बढ़ती राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था में से शामिल हो गए हैं। राज्य के स्तर पर ऐसे उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन के बल पर ही भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में
उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के लोग महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के लिए अच्छा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहली नंबर पर है। लैंड लॉक प्राप्त होने के बावजूद प्रदेश का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि राज्य का निर्यात वर्ष 2017-18 में लगभग 88,000 करोड़ रुपया बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। ये प्रदेश के उद्यमियों की मेहनत तथा योग्यता का परिणाम है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में सफलता से पूर्ण विश्व समुदाय प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इसी ग्रेटर नोएडा में G20 के मुद्दों पर आयोजित किए गए हैं ये समिट। ये ट्रेड जरूर सफलतापूर्ण होगा, इतने कोई दो राय नहीं है। जैसे कि सभी जानते हैं G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। विश्व की कुल GDP का 85% और ट्रेड का 75% हिस्सा G20 के देशों में होता है। इस बार के सर्वसम्मति से अपनाए गए G20 डिक्लेरेशन में अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ के अंतर्गत लोकल वैल्यू क्रिएशन और MSMEs के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने तथा MSMEs को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। मुझे बताया गया है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में 66 देशों में 400 से अधिक बायर्स भी इस ट्रेड शो में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो G20 के लक्ष्यों के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। देवियों और स्वजनों, इस आयोजन में राज्यों के एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय है। हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ साथ राज्यों के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि उद्यमशीलता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि प्रदेश के 54 GI प्रोडक्ट्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पादों की प्रदर्शित का भी इस ट्रेड शो में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों और उनसे जुड़े क्षेत्रों को देश विदेश के सामने प्रस्तुत करने के इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार। और अब सबसे